हेलो एवरीवन, देखिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सुंदर सा लहरदार डिज़ाइन। देखिए इस तरह से चलेगा डिज़ाइन, देखिए कितना सुंदर लग रहा है बन के। तो ये सैंपल बनाया मैंने इसका, और इस सैंपल में मैंने 29 फंदे डाले हैं। तो इसमें हमें आउटलाइन में नंबर डालने होते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9 इस तरह से आप फंदे डालेंगे। तो ये 29 है, 29 फंदों में बनाया मैंने। और हमारी ये देखिए दो सिलाइयों का, यहाँ से यहाँ तक दो सिलाइयों का डिजाइन है। और ये देखिए इस डिजाइन को आप किसी में भी डाल सकते हो, खासकर बच्चों के स्वेटर पे, मफलर पे, स्कार्फ पे, और ये जैकेट वगैरह में आप इसे कार्डिगन में डाल सकते हैं। तो आइए इस डिजाइन को हम बनाना शुरू करते हैं, किस तरह से हमारा ये डिजाइन बन के आता है। देखिए सैंपल पे दिखाऊंगी मैं, इसमें मैंने 15 फंदे डाले हैं, 15 स्टिच, और एक सिलाई मैंने देखिए उल्टी निकाल दी है, क्योंकि जब मैं फंदे डालती हूँ तो उल्टी साइड आता है मेरा, तो उल्टी निकाल दी है मैंने, और एक सीधी निकालनी होगी मुझे। अब आपकी सीधी साइड आती है तो आप एक ही सिलाई निकालेंगे, जैसे सीधी सीधी उल्टी से हमारा ये डिजाइन निकलेगा उल्टी सिलाई से। तो मैं सीधी भी निकाल लेती हूँ सिलाई, जैसे बॉर्डर बना के आप एक उल्टी और एक सीधी सिलाई निकाल लीजिए, जिसका भी बनाना चाह रहे हैं उसमें फंदे बढ़ा लीजिए, और फिर हमारा ये उल्टी साइड से डिजाइन शुरू होगा। देखिए पहला फंदा एक स्टिच है, और दूसरा फंदा हम देखिए सीधा बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, धागा ऊपर करेंगे और फिर उल्टा बनाएंगे, उल्टा इस तरह से बनाएंगे। देखिए एक और दो, दो लपेटे, लपेटा लेते हुए धागे हमने इस तरह से बनाना है। ऐसे देखिए दो बार धागा लपेट के यानी बनाना है, और फिर धागा नीचे करेंगे और सीधा फंदा बनाएंगे, फिर धागा ऊपर करेंगे, और फिर से हमने दो बार धागा लपेटना, एक और दो, इस तरह से ये फंदा निकालेंगे ऐसे, फिर धागा नीचे करेंगे, फिर सीधा बनाएंगे, फिर धागा ऊपर, फिर इसी तरह से दो बार बनाना है हमने, दो बार यानी धागा लपेटना है सीधा, फिर उल्टे फंदे में दो बार धागा लपेटना है सीधा, फिर देखिए सीधा बनाएंगे उल्टे फंदे पे, फिर से दो बार धागा लपेटेंगे, फिर सीधा बनाएंगे, फंदा निकल गया मेरा, इसको उल्टा बनाएंगे ऐसे दो बार धागा लपेटते हुए इस तरह से। लास्ट का देखिए सीधा, फर्स्ट शुरू में भी हमारा सीधा आया था ना, सीधा बनाया था, लास्ट में भी सीधा आएगा, फिर एक स्टिच हम उल्टा बना देंगे। देखिए डिजाइन की दूसरी सिलाई है, ये सीधी सीधी साइड है हमारी। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, पहला तो एक स्टिच है, इस तरह से निकाल दिया मैंने धागा ऊपर, ये उल्टा आएगा, जो पीछे से सीधा बनाया था ना हमने फर्स्ट वाला, ये सीधी साइड से उल्टा बनाएंगे। देखिए उल्टा दिख रहा है ना, तो उल्टा ही बनाएंगे इसे, उल्टा दिख रहा है, उल्टा बनाएंगे। तो अब देखिए ये है दो है हमारे, देखिए एक फंदे पे हमने दो बार लपेटा था ना, जो एक फंदे पे, तो इस तरह से देखिए इसका हमने यहाँ से ये देखने, देखिए एक खाना और ये दो, ये वाला देखिए दो खाना, ये दो खाना है, दूसरा थोड़ा नीचे है ना, देखिए ये दो खाना, इस पे हमने सिलाई डालनी है। अपर धागे को हमें नीचे करना होगा, पहले धागे को नीचे करके एक गिरना है, और इसके बगल में देखिए ये नीचे दो, दो खाने नीचे लेते हुए, और ये वाला फंदा है ना इसको हम खोल देंगे, खोल के और इसको इसी तरह से इसी फंदे को हमने इसके अंदर से निकालना है। देखिए ऐसे ये इस तरह से आराम से निकल जाता है, ये देखिए ऐसे घुमाते हमने यही फंदा निकाल दिया है, इसीलिए हमने ये डबल वायर जो है लपेटा था उसमें, ताकि आराम से निकल जाए। धागा ऊपर करेंगे, इसको बुनना नहीं है, अब हमने इसको बुनाई नहीं करनी, देखिए यहाँ से, यहाँ से हमने बुनना नहीं है, इसको ऐसे ही ले लेना है ऊपर, फिर ये उल्टा, फिर धागा नीचे करेंगे, फिर से उसी तरह से देखिए गिनेंगे पहले एक, और इसके नीचे वाला दो, देखिए नीचे वाला थोड़ा दिखेगा नहीं जल्दी से, अब दिख रहा है, देखिए ये देखिए एक है, एक खाना दो, दो दूसरे खाने में हमने इस तरह से सिलाई डालनी है सीधी, और ये इनको खोल देना है फंदों को, फंदा खुल गया, इसको ऐसे घुमाना है, देखिए देखिए ये निकल गया, ये धागा ऊपर करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा,
फिर धागा नीचे, फिर से उसी तरह से बनाएंगे हम एक और दो, और इसको ऐसे खोल देंगे और यहीं से इसको घुमाते हुए ऐसे इस तरह से निकल जाएगा ये धागा, ऊपर उल्टा धागा नीचे, देखिए धागा नीचे, फिर से एक और ये दो, दो पे इसको इस तरह से, और ये देखें ये आराम से निकल गया है ऐसे। धागा ऊपर करेंगे, उसको बुनना नहीं है, धागा ऊपर करके लास्ट का ये देखिए उल्टा और एच स्टिच को हम सीधा बना देंगे। देखिए हमारी दो सिलाई पूरी हो गई है, देखिए थोड़ा थोड़ा सा दिखने लग गया है ऐसे। तीसरी सिलाई फिर से उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में देखिए हम क्या करेंगे, फिर से ये एच स्टिच तो मैंने बिना बुने उतार दिया, ये वाला सीधा दिख रहा फंदा, इसको सीधा ही बनाएंगे। अब उल्टा फंदा उसी तरह से बनाएंगे, उल्टा फंदा जैसे हमने सेकंड सिलाई में बनाया था, फर्स्ट सिलाई में सॉरी, इसको देखिए दो बार, फिर से हमने दो बार बनाना है ऐसे। फिर धागा नीचे, फिर इसको सीधा बना देना है, धागा ऊपर और ये दो बार, धागा दो बार लपेटते हुए ऐसे बनाना है, धागा नीचे सीधा इसी तरह से बना लेंगे, धागा ऊपर दो बार लपेटते हुए, धागा नीचे सीधा और एक स्टिच हम उल्टा बना देंगे। ये देखिए तीन सिलाई होगी, अब चौथी सिलाई है, देखिए चौथी सिलाई उल्टी सिलाई है हमारी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस सिलाई में चौथी में पहला एक स्टिच दूसरा उल्टा, इनको तो बना लिया हमने, धागा नीचे करेंगे। अब देखिए पहले हमने इधर से उठाया था ना ऐसे करके, उठाया नहीं सॉरी यहाँ से लिया था ऐसे करके, ऐसे लिया था, अब यहाँ से नहीं लेना, अब इधर से लेना हमने इस साइड से, देखिए इस साइड से देखेंगे हम, इस साइड से नहीं इस साइड से, इस साइड से हम दूसरा खाना देखेंगे। देखिए पहला खाना ये है जैसे, और इसके नीचे ये देखिए ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ये इस पर डालेंगे ऐसे करके, इस पर डालेंगे और इसको छोड़ देंगे ऐसे करके, इसको ऐसे लेंगे सिलाई पे, और ये देखिए ये देखिए आराम से आ गया, ये देखिए ऐसे आ गया, धागा ऊपर करेंगे और ये उल्टा फंदा, ये सीधा फंदा फिर उसी तरह से लेना है हमने ऐसे, एक खाना और दो, नीचे डाली सिलाई और ये फंदा लिया और ये आ गया, देखिए इस तरह से धागा ऊपर उल्टा फंदा, धागा नीचे एक और ये दो, फिर से हमने ये खोल देना है ऐसे, और ये ऐसे करके ये आराम से आ रहा है, इस साइड का तो आराम से आ जा रहा है, देखिए इस साइड वाले में थोड़ा दिक्कत हुई थी, इसमें आराम से आ जा रहा है धागा सिलाई पे, ये देखिए ऐसे, और यहाँ से हमने देखिए इस साइड से एक और ये इसके नीचे वाला ये दो, दूसरे खाने में डालनी सिलाई ऐसे, और इसको छोड़ देना है, चाहे ऐसे ले लीजिए आप ऐसे करके, और इसको नीचे को ऐसे घुमाते हुए ऐसे, ये देखिए आ गया धागा ऊपर और ये उल्टा, फर्स्ट खाना और सेकंड खाना इसमें डाला, ये लास्ट है देखिए इस तरह से, और ये निकाल दिया देखिए ऐसे निकल गया, ये लास्ट का हमारा ये उल्टा और एच स्टिच को सीधा बना देंगे, देखिए इस तरह से आ रहा है, देखिए उल्टी सिलाई फिर से, उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई ऐसे बनाएंगे जो जैसे दिख रहा है, देखिए सीधा बनाया और उल्टे पेपर हमने दो बार लेना है, देखिए ऐसे घुमाते हुए धागा, हर उल्टी सिलाई में इसी तरह से बनाना है, उल्टे फंदे पे दो बार घुमा के धागा लेना, सीधा फंदा हमने सीधा ही बनाना है, देखिए ऐसे ये उल्टा फंदा सीधा एक स्टिच उल्टा,
देखिए यहाँ तक मेरे ये चार सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं, और इन्हीं चार सिलाइयों को दोहराते रहेंगे तो आपका एक शानदार ये डिजाइन तैयार बनकर तैयार होगा। देखिए इस तरह से दिखेगा बड़ा बनके, देखिए बहुत ही सुंदर लगता है बनके, खासकर ये मफलर, बच्चों की फ्रॉक, बच्चों के स्वेटर पे बहुत ही सुंदर लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।